विधानसभा चुनाव के तहत राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में भिलाई से भाजपा प्रत्याशी प्रेम प्रकाश पांडे ने रैली निकाली और नामांकन पत्र दाखिल किया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए श्री पांडे ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों और कांग्रेस के 5 साल के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। मोदी जी के 2 साल में किए गए कार्य, कांग्रेस के 5 साल में किए गए अत्याचार और भ्रष्टाचार, भिलाई में हो रहे नशा और अपराध, ये मुख्य मुद्दे रहेंगे। ईडी ने जो चार्जशीट पुटअप किया है उसमें 3 करोड़ रुपया विधायक का एक्सटॉर्शन मनी कोयला घोटाला में लेने का आरोप है। क्राइम टू प्रोसीड जो है उसमें लिखा है 3 करोड़ रुपया 11 किस्तों में लिया है, चार्जशीट में है। और विधायक में इतना नैतिक साहस नहीं कि भिलाई में घूम रहे हैं लेकिन लगातार 2 पेशियों में नहीं गए। तीसरी बात, जिस दिन ईडी का छापा पड़ा था उनने कहा कि मेरे पास 1 पैसा नहीं है, न 1 पैसा मिला। आज 15-15 एकड़ जमीन, प्लाट और लगभग 5 करोड़ के आसपास की संपत्ति का कल ही डिक्लेयर किया है। 5 साल में 5 करोड़, जबकि मुश्किल से 60 लाख की तनख्वाह बनती है विधायक की। श्री पांडे ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर 75,000 रुपए में गरीबों को आवास प्रदान किया जाएगा।